गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 100 के नीचे आ रहे हैं। शनिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 31 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान प्राइवेट चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित एक 52 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 18,964 पहुँच गया है। इनमें 17,919 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 307 ही है। वहीं ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 738 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं। यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। शनिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 15 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोतवाली थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 5 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा राजघाट में 2, रामगढ़ ताल में 1, शाहपुर में 4, कैंट थाना क्षेत्र में 5 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 13 नए मरीज मिले हैं। इनमें पिपरौली और सरदारनगर में 1-1 और चरगावा में 11 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 3 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।